शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को कर्मचारी उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। अग्रवाल एंड कंपनी के नाम से चलने वाली फिल्म फार्म नगर निगम को कर्मचारी उपलब्ध कराती है, लेकिन विभागीय कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से आउटसोर्सिंग के कार्य पर रखने के लिए एक मोटी रकम नगर निगम में वसूली जा रही है, जिसका विरोध उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग के कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने किया है। नगर निगम रकम लेकर आउटसोर्सिंग के पद पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती करना अब आम बात हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम आउटसोर्सिंग पद पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती विभागीय मुखिया के हस्तक्षेप के बाद की जाती है, लेकिन नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल भारतीय द्वारा कर्मचारियों से मोटी रकम वसूलने के बाद नगर निगम आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को रखा जाता है। यह आरोप उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने लगाया है। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है और कर्मचारियों ने एक बैठक कर जन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कंपनी को जारी किए गए पत्र पर सवालिया निशान लगाते हुए जमकर आरोप लगाए हैं और 25 कर्मचारियों की फर्जी भर्ती को लेकर जारी किए गए नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र के साथ संघ के पदाधिकारियों ने आउटसोर्सिंग पद पर कर्मचारियों को उपलब्ध कराने वाली कंपनी का भी जवाब नुमा पत्र के साथ में दिया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कंपनी से 25 कर्मचारी मांगे गए, वहीं कंपनी ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र के जवाब में एक पत्र जारी कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। कंपनी की माने तो 25 कर्मचारियों की सूची जारी की गई है, जिसमें कर्मचारियों का कोई भी सत्यापन नहीं किया गया। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, अग्रवाल एंड कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोनों पत्रों को पाकर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आउटसोर्सिंग पद पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को फर्जी बताते हुए यह आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ, जो कि हमेशा कर्मचारियों के हित में लड़ाई लड़ता है, हमें संज्ञान में आया है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जो कि नगर निगम आगरा में एक कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे, तैनात किए गए, उनको किसने अधिकार दे दिया कि वे आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की भर्ती करें, जो कि नियम विरुद्ध है। उनके द्वारा जो भर्ती की जा रही है वो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। हम लोग उसका विरोध करते हैं। ना किसी तरह का कोई विज्ञापन निकाला गया है, ना कोई शारीरिक परीक्षण किया गया है कर्मचारियों का। सिर्फ और सिर्फ धनुभाई को ध्यान में रखते हुए अतुल भारती के जो द्वारा ये भर्ती की जा रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसकी शिकायत की है और इसका पूरी तरह से हम लोग पर्दाफाश करेंगे, लेकिन इस तरह से वाल्मीकि समाज के साथ और सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर आयुक्त तो आगरा नगर निगम के मुखिया हैं, क्या उनके संज्ञान में नहीं होगा? ठेकेदार ने भी अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी माननीय मुख्यमंत्री को इस पत्र के माध्यम से अवगत कराया, जो कि हमारे पास उपलब्ध हैं, कि नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल भारती के द्वारा खुला भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। इसी के आधार पर अतुल भारती के इतने मंसूबे कामयाब हो रहे हैं और उसका मोरल पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। वर्तमान में हो रही मनमर्जी नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा, उसके उपलक्ष्य में संगठन ने बैठक आउट की है, उस पर डिस्कस किया जा रहा है कि 2003 से गैलाना रोड पर जो कर्मचारी आज तक कार्य कर रहे थे नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा, उनको हटाकर उनके स्थान पर 1.5 लाख रुपया लेकर नए 25 कर्मचारी रखे गए। इन सब चीज़ों का हम विरोध करते हैं। रही बात दलालों की, तो वो जनता को पता है और एवं आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है। जहाँ तक सच्चाई है तो हम मांग उठा रहे हैं, उस मांग का असर नगर आयुक्त महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आरोप है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी से 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की वसूली करते हैं, जिसके कारण वाल्मीकि समाज को लगातार अहित हो रहा है। वहीं आउटसोर्सिंग पद पर कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत भी की जा चुकी है। वहीं अब नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग के कर्मचारी संघ ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।